दोस्त आपको मालूम है कि आपका टाइम किस जगह पे वेस्ट हो रहा है। आपका टाइम उस जगह पे वेस्ट हो रहा है जिस जगह पे जिस चैनल पे आपको मोनेटाइजेशन के बारे में बता रहा है कि मोनेटाइजेशन है जो आप इस ट्रिक से है जो इनेबल कर सकते हैं। तो आपका टाइम इस जगह पे वेस्ट हो रहा है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है जो ट्रिक के बारे में बात करते रहते हैं, थंबनेल में कुछ और लिखते हैं और बताते कुछ और है, तो आपका टाइम इस जगह पे वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, अगर आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करवाना है ना, तो आपको अपने बल पे काम करना है, आपको अच्छा कंटेंट डालना है, कोई कॉपीराइट नहीं डालना है, और साथ में जो आपको जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आपके वीडियो से आ ही जाएगा, वॉच टाइम आपके वीडियो से आ ही जाएगा। तो आपको ऐसा वीडियो नहीं देखना है, बस आपको टारगेट ले लेना है कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होनी चाहिए, तभी जो हमारे चैनल मोनेटाइज इनेबल होगा। आपको ये टारगेट लेना है, ना कि आपको बार बार किसी यूट्यूब पे जाके चैनल पे जाके आपको वीडियो देखना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्रेंड, इंडिया में दो ही तरह के यूट्यूबर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो आपकी इमोशन के साथ खेल रहा है, सेकेंड जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ड के बारे में। फ्रेंड, अभी ये जो फिलहाल कुछ दिन पहले मतलब अभी भी चल रहा है यूट्यूब पे पंगा चल रहा है टेक्निकल योगी से और टेक्निकल वायरस से, कि गूगल एडवर्ड से या फिर वीडियो मोशन ये सब के बारे में जो मतलब वो एक्सपोज कर रहा है टेक्निकल योगी को। फिर कल मनोज दे भी वीडियो बनाए गूगल एडवर्ड के ऊपर। तो आज मैं भी आप सभी के सामने बात रखने वाला हूँ कि क्या गूगल एडवर्ड से वीडियो प्रमोट करना सही है या फिर गलत है, कि हमारे वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा या फिर नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से कोई फायदा रहेगा, जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड, तो चलिए अब हम बात करते हैं गूगल एडवर्ड के बारे में, कि अगर आप सब गूगल एडवर्ड से वीडियो प्रमोट करवाते हैं तो आपके चैनल के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है या फिर क्या नहीं आएगा या आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप सब प्रमोट करवाते हैं तो आपके चैनल के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम आपको कब आएगा? प्रॉब्लम आएगा जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज इनेबल के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि यार हमें जो एक वीडियो ये करते हैं मतलब गूगल एडवर्ड्स से प्रमोट करते हैं और उस वीडियो पे जो हम अच्छा व्यूज़ आ गया, वॉच टाइम आ गया। तो आप सब ये गलत है। अगर आप सब ऐसा कर रहे हैं ना, इस सोच कर रहे हैं कि चैनल को मोनेटाइज इनेबल करवाएंगे ना, तो आपका मोनेटाइज इनेबल कभी नहीं होगा आपके चैनल का, क्योंकि आप जिस वीडियो को प्रमोट करवाते हैं ना तो उस वीडियो पे ना वॉच टाइम आएगा ही नहीं आएगा, मतलब आएगा नहीं उस वीडियो का वॉच टाइम अगर आप सब गूगल एडवर्ड से प्रमोट करवाते हैं तो। और आप उस वीडियो को छोड़कर अगर आपके पास और कोई वीडियो है जिस पे अच्छा वॉच टाइम आ गया है और आपका माइलस्टोन कंप्लीट भी हो गया आपके चैनल का, तो आपका चैनल ऐसे है जो मोनेटाइज इनेबल हो सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने वीडियो को गूगल एडवर्ड से प्रमोट करेंगे तो हमारा चैनल है जो वॉच टाइम कम्प्लीट आज हो जाएगा, मतलब वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा और चैनल भी मोनेटाइज इनेबल हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गूगल एडवर्ड इसलिए वो कंपनी के लिए, अगर आप भी एक ब्रांड है, आपके पास कुछ वेबसाइट है, कुछ ऐप है, तो आप जो अपने वेबसाइट ऐप को प्रमोट करवा सकते हैं गूगल एडवर्ड से, वीडियो को भी प्रमोट करवा सकते हैं लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए नहीं। जैसे कि आप सब लाइकी का देखते हैं, टिकटॉक का देखते हैं, जो आपके सामने में वीडियो आता रहता है, ऐड आता रहता है, तो वो सब है जो अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए ऐड दिखा रहा है अपने गूगल एडवर्ड से, जो अपनी वीडियो को प्रमोट करवा रहा है। तो बस यही है गूगल एडवर्ड के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आप सब देखने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIP नजरा।